मैं बैरिया का रिहायशी हूँ, यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तकरीबन 2-2.5 साल के ऊपर हो गए। मुझे 1 साल हुआ है यहाँ। मैं DHA से शिफ्ट होके 25 साल बाद यहाँ हूँ एक सुकून के लिए। 2 साल और तकरीबन 4 माह हो गए, हमने बहुत एंजॉय किया है। तकरीबन मुझे बहरिया टाउन में शिफ्ट हुए हुए 3 साल प्लस हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। बहरिया में रहना तो ठीक है, सही है, और हम जो सोच कर आए थे कि सुकून की लाइफ यहाँ गुजारेंगे, वो माशाल्लाह है, एनवायरनमेंट अच्छी है, सब कुछ है, माहौल बहुत अच्छा मिला, लोग अच्छे मिले, रहायश बहुत अच्छी है। हमने बहरिया के अंदर ये कुछ देखा है जो हमें कराची में नहीं नसीब हुआ सो फार अब तक जो भी मैंने अब तक रिहाइश की है बहरिया में, सबसे बेहतरीन परसेंट जो है वो 11A है माशाल्लाह से। था। इकरा यूनिवर्सिटी है, जबरदस्त फर्स्ट क्लास। मेरा बेटा वहीं इकरा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है। मेरे बच्चे पोते हैं, पोते इधर बैरिया के स्कूल में पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह हर चीज में बैरिया इज द बेस्ट। लेकिन अचानक जो मैनेजमेंट ने बम फेंका है सर पे, उससे काफी लोग जो है अफेक्टेड हो रहे हैं और काफी लोगों को परेशानी लायक है। इस महंगाई के ऊपर सोने पर सुहागा ये कि जो कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए थी उसको बढ़ा दिया गया है। जो मेंटेनेंस कॉस्ट जिसका जो फिगर है, पहले 2,000 रुपये था आपका, अल्लाह भला करे तो 150 गज 125 गज के विलास का, और 2600 था 200 गज के विलास का, अब वो समझ लें कि 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है एक झटके में। यूटिलिटीज के बिल बढ़ाए, उससे इतनी बेचैनी फैल गई है, हम लोग खुद फिर परेशान हो गए। ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जिससे इसकी जो लिविंग कॉस्ट है उनको उन्होंने इतना एनहांस कर दिया गया है जिससे यहाँ का जो मिडिल क्लास रिहायशी है वो नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कुछ परेशान हैं। मेजोरिटी यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों के मैंने देखा है जो इस चीज को अफोर्ड शायद नहीं कर सके। ये जो अननेसेसरी जो ड्यूज और इंक्रीज जो है वो मेंटेनेंस में और वाटर चार्जेस में है, तो ये भी जो है बहुत ही जो है लोगों पर एक बड़ा बोझ है। फिर अगर ये यूटिलिटी बिल जैसे अभी कह रहे हैं कि भाई हम वाटर के कोई अंदाजा ये है कि 8-10 हज़ार महीने के वाटर के हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक के बिल जो है वो 30, गर्मी में 30-35 हज़ार हो रहे हैं, या एवरेजली बीच में 18 हज़ार होते हैं, कभी जो है 12 हज़ार, मकसद है एवरेज ही कर ले 18 हज़ार। किसी भी किस्म के जब आप मेंटेनेंस चार्जेस लगाने जा रहे हैं उसको एलिमिनेट करें, उसको खत्म करें, वो नहीं होने चाहिए। क्यों है ये इस किस्म की? ये तो मतलब ये कि लोगों को दुख देने वाली बात है। हमारे दीन में इस किस्म की कोई बात नहीं कही गई है कि आप दुख दें किसी को, किसी को तकलीफ दें। तकलीफ देना आपका काम नहीं है, आपका काम है राहत देना। सुकून ढूंढने के लिए कराची शहर छोड़ के हम 50 किलोमीटर से यहाँ आए, अलहमदुल्ला बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 महीने से वी आर डिस्टर्ब। ये हम लोग गरीब लोग क्या करेंगे, ये सारे हमारे लोग बेरिया के परेशान हुए, क्या करे लोग। हम अभी रिटायर हो गए हैं, हम जो वहाँ से कमा घुमा के आए थे यहाँ घर लिया, हम लोग कह रहे थे जो हमारी रेगुलर इनकम है उसमें हम इसमें चले, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस ये लगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मीटर का, पानी का लगाने का, ये इस पे जरा गौर करें मैनेजमेंट एरिया की, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में हमारे पड़ोसी भी ये सब एरिया में लोग बात करते हैं, ये चीज़ों में हम लोग को बहुत थोड़ा मुश्किल होएगा। इसके साथ साथ जो है वो गैस भी यहाँ बहुत महंगी है, सिलेंडर महंगे हैं, तो अगर ये इनको सबको मिला के करें तो 40,000 से मोर देन 40,000 जो है ना वो यूटिलिटीज बनती है, फिर हमारा आना जाना शहर की तरफ। जुल्म है रेजिडेंट्स के ऊपर कि उनको अच्छी इन्वायरमेंट और अच्छे ख्वाब दिखा के यहाँ पर लाए। सारे रिहायशी बड़े खुश थे, मामला अच्छे चल रहे थे, फिर साथ साथ जो है पानी का बिल लगा दिया उन्होंने। पानी का बिल भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल उन्होंने बना दिया है, जो लगेगा जब बिल आएगा सामने तो पता चलेगा लोगों को क्या खर्चा होने वाला है उनका। जिस रेट पर उन्होंने पर गैलन बिलिंग की है बहुत हाई हाई रेट है उसका, और वो रेट कहीं से भी सूटेबल नहीं है। आप मेहरबानी करें, ये जो आपने मेंटेनेंस चार्जेस लगाए हुए हैं ये तो बिल्कुल टोटली खत्म कर दें। मीटर मीटर का आपने 1,145-48-12 हज़ार रुपये आपने लगा दिए कि ये तो ऑलरेडी पेड है, फिर दोबारा ये इस किस्म की चीज क्यों आ रही है मैदान? वो अमल ना करें जो
जो आपको और हमें तकलीफ दे। प्रेसिडेंट्स में ऐसे लोग भी हैं जो सिफायत काला हैं, मुलाजमत करते हैं, जाते हैं शहर, वहां से आते हैं, उनके अखराज जाते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पढ़ने वाले, तालीम सिलसिले में अभी तक किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं की आपने। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काट नहीं देते, जो आपकी रिहायशी है वो सोने का अंडा दे रहे हैं आपको, तो आप उससे अंडा खाए ना, उसको मुर्गी को काटने की क्या जरूरत है आपको। हम तो मिसालें देते थे, बल्कि ये मिसालें देके तो हमने अपनी दूसरी फैमिली जो रिश्तेदार थे उनको इधर शिफ्ट किया, अब वो भी हमारी तरफ देख रहे हैं। इसको देखिए कि कराची में ये जो वाटर बोर्ड है वो क्या चार्ज करता है, वाटर बोर्ड के साथ आप उनसे लिख हो जाइए, अगर आपके यहाँ किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा कीजिए कि वाटर बोर्ड के नुमाइंदों से आप करें, हमें एक बताएं, हम वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके साथ आकर हेल्प करें, आपको बताएं कि मीटर में किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है। तो इस फैमिली को इस तरह के मामला दे के आप क्यों नेगेटिव में लाना चाह रहे हैं, मामला को रोकना क्यों चाह रहे हैं, आप इसको अच्छा करके मामला को 11A से जो है वो उससे दो घर, एक घर तो कल खाली हो गया, एक घर आज खाली हो रहा है, तीसरा भी मैंने देखा वो सामान जो है ना उसमें गाड़ी में डाल रहे थे। ये अगर सूरत हाल रही, एक एक स्ट्रीट से दो दो चार चार पांच पांच घर खाली होते जाएंगे तो रहेगा कौन, फिर ये क्या करेंगे बेरिया वाले। और ये मीटर जो लगे हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये, मैं तो अल्लाह की जान देनी है, मैं वादी तौर पर कह रहा हूँ, ये मीटर क्या सर्टिफाइड है, आप मुझे बताइए, सर्टिफाइड है तो इसका सर्टिफिकेशन आपने क्यों नहीं दिया, वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। मीटर लगाने की बात कर दी, मीटर लगा दिया, पैसे लगा दे, क्यों लगा रहे हैं भैया, क्यों तंग कर रहे हैं लोगों को। वो सुना ये है कि लाहौर में मेंटेनेंस कम है इधर पढ़ा रहे हैं, भाई इस्लाम और पिंडी में कम है इधर पढ़ा रहे हैं। रेजिडेंट्स के साथ आप लोग मुशावरत करें, उनको अपने मसाल बताएं, हमारे मसाल सुने, तो ये बहुत से तरीके हैं इन चीज़ों को हल करने के लिए। आजकल तो बड़ा फास्ट ज़माना है, बड़ा कम्युनिकेशन का ज़माना है, तो बड़े इजीली ये कम्युनिकेशन हो सकती है आपस में टू वे। आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग चले जाएं, इससे ख़त्म कर लें इस मसले को, क्यों करें भाई, हम यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, हम रहे हैं, रहेंगे इंशाल्लाह अल्अज़ीम, आप लोगों से मोहब्बत और प्यार की दरख्वास्त है, आप हमारी सुने, हम आपके सुने, आप वीकली नहीं मंथली कोई मीटिंग बनाए, कुछ तो करें ताकि हम आपको जो ग्रीवेंसेज है आपको आकर बताएं, आपकी जो ग्रीवेंसेज है आप हमें बताएं। ये माहौल फिर खराब हो जाएगा और लोग जिस रफ्तार से आ रहे थे अब आना बंद हो जाएंगे और बिजनेस जो है ना उस पर बड़ा असर पड़ेगा, बड़ा डाउन होगा। इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बस कमर्शियली आप कमाओ, पैसे लो लोगों से, और बाकी जो है ना सहूलतें या लोगों की जो जो मकसद ज़रूरियात है उसको नहीं देखना है या उनके हिसाब से वो ना करें। भैया वाहिश एक ऐसी बीटी की एक ऐसी जगह है जिसमें हर किस्म के फूल हैं माशाल्लाह, हर और एक से एक अल्लाह ताला का कसम का नेमत यहाँ पर है। तो गुजारिश यही है मैनेजमेंट से, मेरी सजेशन यही है कि इसको जो आपने हमें भेजे हैं इसको रिकंसिडर किया जाए, और जो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में रेट दिए हुए बीटीके के वो हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट की जाए, तो उसको फॉलो किया जाए और मामला को देखा जाए और इसको रिकंसिडर किया जाए इन मामला को, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, हमारा प्रॉब्लम होगा हम आपके पास आएंगे, मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें, मोहब्बत करें एक दूसरे से, मोहब्बत करना सीखे और मोहब्बत की ही बातें करें, ना किसी को तंग करें और ना आप तंग हो।